हमारे इस मंच पे आसीन तेलंगाना राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य एवं औद्योग और एक नौजवान मंत्री श्री केटीआर रामाराव गारू जी मंच पर आसीन, श्रीमती सविता इंदिरा रेड्डी जी, श्रीमती महेंद्र रेड्डी जी, क्षेत्र के सांसद श्री रंजीत रेड्डी साहब, मेरे साथ आए हुए नागर विमानन क्षेत्र के सचिव श्री प्रदीप खरोला साहब, हमारे दोनों सह सचिव अंबर दुबे जी, पीयूष श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन महेंद्र रेड्डी साहब, श्रीमती सुरभि वाणी देवी जी, श्री रोहित रेड्डी जी, डॉक्टर आनंद साहब, श्री महेश्वर रेड्डी जी, नरेंद्र रेड्डी जी, श्री अड्डाई जी, श्रीमती मंजुला रमेश जी, मंच पर आसीन श्रीमती रमादेवा लंका जी, श्री विघ्नेश संथनम जी, मेरे नौजवान साथी जो केवल तेलंगाना के नहीं लेकिन देश के भविष्य हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित, विकाराबाद और तेलंगाना की समस्त उपस्थित मेरी जनता जनार्दन, अंदरी का नमस्कार मूलु। सर्वप्रथम मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं मारुत के मेरे नौजवान साथी प्रेम को। कहां है प्रेम? टेक ईगल के विक्रम सिंह जी को और स्काई एयर के अशफाक जी को। अशफाक कहां है? तो स्काई एयर का कोई और प्रतिनिधि है तो जरूर आए मंच पे। प्रेम मेरे पास आ जाओ। विक्रम, और क्या नाम है आपका? स्वप्निक। स्वप्निक, आज हमने उद्बोधन में बहुत कुछ सुना है मेरे भाई और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आज मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक क्रांति है और विश्व में जब भी आप इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे आप पाओगे कि जब विश्व में एक नई क्रांति आई, जब पहली बार गाड़ी बनाया गया था, जब पहली बार अमेरिका में रेल बिछाया गया था, जब पहली बार अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने दूर संचार का टेलीफोन बनाया था, जब पहली बार विश्व में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान सेवा की शुरुआत की थी, जब पहली बार हमारे हाथों में यह डब्बा आया था, जब पहली बार
आज हमने हमारे आंखों के सामने एक नई क्रांति देखी है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। वो तकनीक तो है लेकिन उस तकनीक के बाद, उस तकनीक के पीछे सबसे अहम मुद्दा होता है मानव संसाधन का, जो मेरे दाहिने ओर प्रेम के रूप में खड़ा है और मेरे बाएं ओर विक्रम और स्वप्निल के रूप में खड़ा है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। विश्व में पिछले 300-400 सालों में जब भी क्रांति आई, भारत ने उस क्रांति का नेतृत्व ना किया हो, भारत सदैव उस क्रांति के पीछे पीछे चला है। यह पहली बार भारत के इतिहास में नहीं, लेकिन यह पहली बार विश्व के इतिहास में, जब पहली बार विश्व में क्रांति आ रही है, तो भारत एक फॉलोअर के रूप में नहीं, लेकिन भारत एक लीडर के रूप में ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और आज उसका प्रदर्शन हमने तेलंगाना में देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को। हमारे मंत्री रामाराव गारू जी को कि जिस तरीके से इसका शुभ शुरुआत, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दिशा निर्देश है राष्ट्र के लिए। और यह भी मैं आपको बता दूं, ये अगर उनकी दूरदर्शिता नहीं होती, अगर उनका मार्गदर्शन ना होता, तो आज जो ड्रोन पॉलिसी हमने 10 दिन पहले हमने घोषित की थी, वो कभी ना हो पाती अगर इस देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में ना होता। इनकी सोच और विचारधारा अलग है। सामान्य तौर पर सरकारों को देखा जाता है, मेरे नौजवान दोस्तों ने देखा है, तो सरकार रास्ता सुलभ नहीं बनाती। साधारण तौर पर सरकार रास्ते में गति अवरोधक के रूप में तैनात हो जाती है। और यही ड्रोन के क्षेत्र में था। कई अड़चनें आई, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई प्रदेशों ने अपनी आशंकाएं जताई, कई केंद्र के मंत्रालयों ने अपनी आशंका जताई, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका संकल्प, उनका लक्ष्य, उन्होंने कहा एकमात्र उद्देश्य है कि नीति बननी चाहिए तो विश्वास के आधार पर बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर बननी चाहिए, और अगर नीति बननी चाहिए तो सारे परमिशंस और कठिनाइयों को उखाड़ के फेंक कर इन नौजवानों के हाथों में शक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि देश को हम आगे बढ़ा पाए। और आज आप देखो, कंपनियां हमने बहुत देखी हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंत्री जी से भी, मैं बधाई देना चाहता हूं सारे कंपनियों को, हमारे सारे सहभागियों को, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जिन्होंने देश में नहीं लेकिन विश्वभर में कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, कई देशों में क्रांति लाने में मदद की है, चाहे अपोलो हॉस्पिटल जैसी संस्था हो जिसने इस देश में एक नेटवर्क स्वास्थ्य का बनाया है, चाहे ब्लू डार्ट जैसी कंपनी हो जिसने कूरियर के क्षेत्र में एक नई
गति देश में दिखाई है। लेकिन इस क्रांति के असली हीरो मेरे भाई और बहनों, वो कंपनियां तो हैं, लेकिन असली हीरो प्रेम जैसा मेरा भाई है, विक्रम जैसा मेरा भाई है, और स्वप्निक जैसा मेरा भाई है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन किया जाए। अरे ये थोड़ी है विकाराबाद की तालियां, ये नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट से, उस पंडाल से भी मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से विकाराबाद की तालियां मुझे सुनाई देनी चाहिए, हैदराबाद तक जानी चाहिए। चलो तालियों की गड़गड़ाहट से। और यही मौका इस टेक्नोलॉजी से मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी जो देश विश्व के युवाओं को, चारों तरफ देखो मेरे पास खड़े हुए ये लोग, वो मंच में खड़े हुए लोग, दिस विल अनलीश द पोटेंशियल ऑफ द यूथ ऑफ आर कंट्री। यू हैव स्टार्टअप्स लाइक मारुत, यू हैव स्टार्टअप्स लाइक टेक ईगल, यू हैव स्टार्टअप्स लाइक स्काईएयर, जो आप और हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे वो इन्होंने करके दिखाया है। आप सोचो, जो आज आपने वीडियो देखा है, मैं तो भौचुक रह गया मंच पे बैठे हुए, जो आज आपने वीडियो देखा है, जो स्क्रीन्स पे आपने देखा है कि एक छोटी सी मशीन एक हेलीकॉप्टर के रूप में, उसमें वैक्सीन, उसमें दवाई, हम समझ सकते हैं कि कूरियर की कंपनी डब्बा लेके जाएगी कहीं, लेकिन वैक्सीन और दवाई एक ऐसी चीज है जिसे एक वातावरण टेम्परेचर में रखा जाना चाहता है। और आज जो हमने डब्बे देखे, जो टेक ईगल ने बनाया है, मारुत ने बनाया है, हमारे स्काई एयर ने बनाया है, कि केवल डब्बे नहीं है लेकिन डब्बे पे मीटर लगा हुआ है, वो मीटर दिखाता है कि किस टेम्परेचर